नमस्कार भाइयों, आज मैं बताऊंगी ब्रिटिश नहीं आते तो इंडिया के पास में एक भी पहाड़ और नदी नहीं होता, और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नेपाल का हिस्सा होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1808 में गोरखा सिखों से हार गए थे। भाइयों, उस समय नेपाली सेना कई फ्रंट पर लड़ रही थी। कुमाऊं में नेपाली सेना के खिलाफ विद्रोह, सिक्किम में विद्रोह, गढ़वाल में विद्रोह और तिब्बत ने भी हर्जाने की रकम देने से मना कर दिया, जिसके कारण बहुत सारी नेपाली सेनाओं को इन सभी फ्रंटों पर जाना पड़ा। गढ़वाल, सिक्किम, कुमाऊं में जो विद्रोह हुआ नेपाली सेना के खिलाफ, वो विद्रोह अंग्रेजों ने भड़काया था। इसलिए नेपाल को अपनी आर्मी का बहुत सारा हिस्सा विद्रोह को दबाने के लिए लगाना पड़ा, और कांगड़ा से नेपाली सेना वापस आ गई, क्योंकि एक साथ इतने सारे फ्रंटों पर लड़ना मुश्किल था। इन सारे फ्रंटों पर अंग्रेजों ने वहां की स्थानीय जनता को नेपाली सेना के खिलाफ भड़काया था, और कई जगह तो गोरखा अंग्रेजों में डायरेक्ट युद्ध हो रहा था। इसलिए नेपाली सेना की सारी ताकत अंग्रेजों से लड़ने में लग गई। अब आप सोचिए, यदि ब्रिटिश नहीं आते तो नेपाली सेना की ताकत बिखरती नहीं, और जैसे नेपाल एक तरफ से युद्ध जीतता जा रहा था, इसी प्रकार नेपाली सेना हिमाचल प्रदेश को जीतते हुए बहुत जल्दी कश्मीर को भी जीत लेती, और दूसरी साइड सिक्किम को जीतते हुए पूरे अरुणाचल प्रदेश को जीत जाती, क्योंकि तब नेपाली सेना के सामने कोई बड़ी ताकत नहीं थी जो नेपाली सेना से टकरा सके। बट ब्रिटिश आ गए, जिससे नेपाली सेना की सारी ताकत बिखर गई, और नेपाली सेना पूरे हिमाचल प्रदेश को नहीं जीत पाया, क्योंकि तब मुकाबला सीधे नेपाली सेना का ब्रिटिश सेना से था। और आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश सेना के पास में उस समय के मॉडर्न वेपन्स थे, जो कि नेपाली सेना के पास नहीं था। नेपाली सेना की सारी ताकत ब्रिटिश से लड़ने में लग गई, इसलिए वो हिमाचल कश्मीर को नहीं जीत पाए। अगर ब्रिटिश नहीं आते तो ये 100% था कि नेपाली आर्मी पूरे माउंटेन एरिया को, जो कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, उसको जीत जाता, और तराई का बहुत सारा हिस्सा नेपाल के अधीन होता। अब आप सोचे कि ब्रिटिश नहीं आते तो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितना भी एरिया है, सब नेपाल के अंडर में होता, और आज के मॉडर्न इंडिया के पास एक भी माउंटेन और रिवर नहीं होता। सारा का सारा माउंटेन और रिवर्स का कंट्रोल नेपाल के पास होता। इसलिए जो इंडियन लोग ओल्ड नेपाल की ताकत को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उनको ये पता होना जरूरी है कि ब्रिटिश नहीं आते तो इंडिया का बहुत सारा एरिया नेपाल के अधीन होता, और साउथ एशिया में नेपाल भी एक ग्रेट पावर होता। नेपाल आज भी ग्रेट पावर है, बट नेपाल के पास में मॉडर्न वेपन नहीं है। यदि नेपाली आर्मी के पास मॉडर्न वेपन आ जाए तो नेपाल की आर्मी अपने से बहुत बड़े देश को भी पराजित कर सकता है। कैसे और क्यों, ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे।